कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, पवन भारद्वाज। बोलिए पवन जी। नमस्कार जी। ऐसा ही मैं सर्वप्रथम सुदर्शन टीवी को बधाई देना चाहता हूँ। हेलो, ऐसा है कि मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, चाहता हूँ जिन्होंने ये ऐसे मुद्दे उठाए हैं, ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो देशभक्ति के से सरोबार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिन्होंने परसों वंदे मातरम के विषय में बाहर निकल गए कि हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, क्या इस धरती माता में भारत माता की जमीन पे दफन होना मंजूर है इनको? और आज पहले ये एमपी रहे हैं, पहले जब इन्होंने संविधान की सुगंध खाई थी तो तब इन्होंने अपने कुरान की शब्द ली थी या संविधान की शब्द ली थी, जो ये मेंबर पार्लियामेंट बने थे उस समय इनको अपनी गद्दी के लिए, अपनी एमपीशिप के लिए कुरान की शरीफ कसम नहीं ली थी, संविधान की शब्द ली थी। और मैं एक सारे मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने टोपी पहनने से इनकार किया था तो सारे जितने भी चैनल थे 15 दिन लगातार हिंदुस्तान को, गुजरात को टोपी पहनाते रहे, लेकिन आज इतने बड़े कांड के बाद भी कोई भी चैनल बोलने के तैयार नहीं सिवा आपके। और मैं इस बात पे आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप कम से कम ये राष्ट्र के भक्तों की आवाज को लोगों के कान तक तो पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। देश को टोपी पहनाने का काम तो सब करते हैं, लेकिन देश को, भारत माता को मुकुट पहनाने का काम कोई नहीं कर रहा है। उस मुकुट को छीना जा रहा है और उस छीनने वाले मुकुट को देखकर किसी का दिल नहीं दहला रहा है। और यही चित्र हम बार बार आपके सामने ला रहे हैं कि यह सब कुछ संकट में है। अगले कॉलर। नमस्कार। जय श्री राम सुरेश जी। बोलिए। मैं श्रीनिवास प्रधान उड़ीसा बालासोर से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है कि देश और धर्म से देश सबसे बड़ा आत्मा है। अगर किसी मुसलमान को देशभक्ति में कोई एतराज है और संसद में अगर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो सबसे जरूरी है कि वो पॉलिटिक्स में ना आए। अगर उसको राष्ट्रगान को सम्मान करने में कोई हिचकिचाहट है, उसका अल्लाह, उसका कुरान उसको इजाजत नहीं देता है, तो सबसे अच्छा है कि वो पॉलिटिक्स में ही नहीं आए। धन्यवाद। एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया कि जिस व्यवस्था में आपको जाना है उसको मानना है तो पूरा मानो। जब आप संविधान की शपथ ले, सांसद चुनकर आए, तब तो आपने इसी संविधान की शपथ ली जहां पर यह संविधान इसको राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का दर्जा देता है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देता है। आपने 5 साल तक तब तक कुछ नहीं कहा। जब चुनाव आए, करीब करीब आखिरी सेशन में आपको लगा कि अब जीतने के लिए इसका अपमान जरूरी है, तो आपने अपमान किया। ये तो कुरान के प्रति भी ईमानदार नहीं है, ये ईमानदार है तो केवल स्वार्थ के प्रति। और ऐसे ही लोग ये बार बार कहते हैं, कहने वाला तो कभी कभी भगवे कपड़े पहनने वाला अग्निवेश भी होता है। देखिए ये ड्रामेबाज क्या कहता है। अग्निवेश जब उलेमाओं की एक परिषद में जाता है तो खुद क्या बोलता है, सुनिए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हम वंदे मातरम कहना होगा, लेकिन तुम्हारे मानने पर हम सर्टिफिकेट के बतौर वंदे मातरम नहीं कहेंगे, यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। दोबारा सुनाते हैं कि देखिए ये अग्निवेश क्या कहता है, इसको दोबारा सुनाइए जरा। ये पहले तो कोई कहता है यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हम वंदे मातरम कहना होगा, लेकिन तुम्हारे मानने पर हम सर्टिफिकेट के बतौर वंदे मातरम नहीं कहेंगे, यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। ऐसे जब वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं, जब ये लोग फिर भी खुलेआम समाज में घूमते हैं, तो इसके खिलाफ बोलना बनता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम। बोलिए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ, हावड़ा से, हावड़ा पश्चिम बंगाल से। बोलिए। हमें लगता है कि धर्म के अर्थ को तथाकथित सेक्युलर वादियों ने अनर्थ में बदल दिया है। हमें लगता है कि इस अनर्थ से बचा जाना चाहिए। हमें यह भी लगता है कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि धर्म बड़ा है, वह लोग भारत को तोड़ने पर विश्वास करते हैं, वह पृथकतावादी हैं, उनका भारत की संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। इन जनमानस से यहाँ के किसी को कुछ लेना देना नहीं है, उनको इस मिट्टी से कोई लगाव नहीं है। ऐसे लोगों को एक्ट पास करके राष्ट्रद्रोही करार दिया जाना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। ऐसे लोगों को जब प्रोटेक्शन मिलता है हर जगह से, आज बहुजन समाज पार्टी अगर चुप नहीं रहता
तो शायद ये वर्ग जो है इस तरीके की दृष्टिता नहीं करता। बिल्कुल। देश में अरबी में मैं बता दूं आपको कि अरबी में भी मादरे वतन कहा गया है, इसका अर्थ है वतन हमारी माँ है। तो हमें तो ये नहीं लगता कि किसी भी धर्म में यह कहा गया है कि अपने वतन को जो है आप बाद में रखो और धर्म को पहले। ये मुझे लगता है ये सब वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है और आने वाले समय में देश जो है एक भयंकर जो है बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। और अगर समय रहते अगर सब नेता नहीं चेते तो ये वोट बैंक की राजनीति इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देगी। यहाँ का जो राष्ट्रभक्त है वो अचंभित है, प्रताड़ित है, दुखी है। धन्यवाद। इस देश का राष्ट्रभक्त प्रताड़ित है, दुखी है, लेकिन फिर भी वो मौन है, चुप है, क्यों? यही सवाल है और उसको ही हम कह रहे हैं कि तू बोल, मुंह खोल। और इसलिए बिंदा आपके सामने पूरा वाकया दिखा रहे हैं, लगातार ऐसे स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, बार बार एक घटना हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने बार बार ये मुद्दा ला रहे हैं क्योंकि जब तक इनकी जुबान बंद नहीं होती हमारे भी बंद नहीं होगी। और हम इस देश को तब तक इसको याद दिलाते रहेंगे जब तक इस देश के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद नहीं होता। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अभी और भी कई हमारे पास ऐसे वीडियो है जो वंदे मातरम और इस देश के खिलाफ बोलते हैं, उनको भी दिखाएंगे, लेकिन कई कॉलर मीटिंग में है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ बोलिए। हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। हाँ, ये टोपी वाला जो जीत कर हमारे वोटों से गया है, इसको पता नहीं है कि दुनिया मतलब तू असेंबली में बैठ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख नहीं रहे, अंधे हैं? असेंबली में इसको जूते मार कर निकालना चाहिए। इसको पता नहीं है, सोनिया को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने ही लगी हुई है, खिला रही है, हमारा खून चूसा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश की माँ भारत माता के लिए बोल रही है। देखिए, आपने सुना, इस देश के प्रधानमंत्री में ऐसे पागल सांसद को जूते मारने की हिम्मत होती तो इस देश में कभी भी कुछ नहीं होता, ना चाइना बॉर्डर पर आता, ना पाकिस्तान ये नाटक करता, ना बार बार ये चीजें होती, बल्कि ये इसीलिए हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री को जूतों की तरफ देखकर सर झुकाने की आदत है, इस देश के खिलाफ बोलने वाले के लिए जूता निकालने की आदत नहीं है। अगले कॉलर। वंदे मातरम सुरेश जी। वंदे मातरम, बोलिए। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, पवन कुमार उपाध्याय। बोलिए बोलिए पवन जी। ऐसा है कि ये वंदे मातरम का जो अपमान हुआ है ये हम सब राष्ट्र भक्तों के लिए बड़ी शर्म की बात है, लेकिन उससे शर्म की बात तो ये जो तंत्र हमारा है, हमारे यहाँ जो अध्यक्षा बैठी है पार्लियामेंट के अंदर उनके सामने ये कुकृत्य हो जाता है और वो खाली एक छोटी सी प्रतिक्रिया करती है कि बैठिए बैठिए, ये कोई बनती नहीं बात है, ऐसे व्यक्ति को सदस्यता उसकी रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जब ये सैलरी लेते हैं 50-50 लाख रुपया इनका खर्चा आता है, वो भारत से लेते हैं, भारत माता से लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि धर्म हमारा मजहब, धर्म नहीं मजहब जो है वो ऊपर हो गया देश से, ये कैसे हो सकता है? ये तो राष्ट्रद्रोही जो व्यक्ति है उनके लिए जो है मजहब राष्ट्र से ऊपर है, लेकिन जो देशभक्त व्यक्ति है, राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, उसके लिए राष्ट्र पहले है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे गद्दारों को इस देश में रहने का कोई मतलब हक नहीं बनता है, जो भारत माता भारत के जो चिन्ह है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है उनका अपमान करते हैं। तो इसका भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस व्यक्ति की जो है वो सदस्यता खत्म हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमने कल भी कहा था कि मीरा कुमार केवल एक बयान देकर, केवल एक बार माइक पर बोलकर चुप नहीं बैठ सकती। वैसे तो मीरा कुमार को नींद नहीं आनी चाहिए थी कि उसके सदस्य ने यह जो कुछ किया है, वैसे तो वहां को बहुत कुछ होता है, लेकिन यह हरकत कभी भी माफ नहीं हो सकती। मीरा कुमार ये देश को आश्वस्त करे कि जब यह हाउस शुरू होगा तो इसकी एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक ये वंदे मातरम के लिए अपनी सहमति ना दे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। लालू, नीतीश, मुल्ला, आयम जैसे नेता तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्र व धर्म दोनों बड़े हैं, दोनों का अपना महत्व है। यदि राष्ट्र में सपूत महाराणा प्रताप, झांसी की रानी व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे राष्ट्र को एक लड़ी में पिरोने वाले साईं बाबा जैसी विभूतियां हमारे राष्ट्र में जन्मी तो राष्ट्र सर्वोपरि हो गया। इन्होंने हमें सिखाया राष्ट्र के लिए जीना व मरना।
अपने धर्म की रक्षा हेतु अपनी संतानों को दीवारों में चिनवा देना, हम अपने धर्म पर डटे रहें ताकि धर्म में राष्ट्र दोनों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ, मेरे विचार में धर्म आधारित राज ही सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि धर्म के बिना राज निरंकुश होता है और राज के बिना धर्म कमजोर और तंगू होता है। वीर सावरकर जी का ये कहना कितना सटीक है कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। एक और दार्शनिक हुए हैं डॉक्टर नित्य नारायण जी, उनका कहना है कि वास्तव में देश की रक्षा और उसकी सर्वांगीण उन्नति उन्हीं के आधार पर हो सकती है जिसके अपने देश के प्रति निष्ठा हो, अर्थात जिनकी देशभक्ति प्रत्येक परिस्थिति में शिथिल और एकनिष्ठ हो। ऐसे व्यक्ति इस देश का संपूर्ण समाज की दृष्टि से केवल हिंदू ही है। वास्तव में हिंदू की परिभाषा यही है कि जो भारत को मातृभूमि और पुण्य भूमि करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जिनके लिए सावरकर की व्याख्या है कि मातृभूमि पुण्यभूमि जो इसको मानता है वही हिंदू है, वो किस प्रार्थना पद्धति को अपनाता है, किस भगवान को मानता है, ये मुद्दा नहीं है। उसके लिए मातृभूमि ये होनी चाहिए और पुण्यभूमि भी ये होनी चाहिए, तभी वो हिंदू हो सकता है। आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इनके लिए ही बना है जिन्होंने कहा कि हमें धर्म के आधार पर दूसरा देश चाहिए। धन्यवाद। हम आपको इमाम बुखारी, आपको पता होगा कि ये क्या क्या करते हैं, इनके क्रियाकलाप क्या है, जरा इनको सुन लीजिए, फिर हम कुछ बात करते हैं। वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे किसी कीमत पर नहीं लगा सकता, क्योंकि जब ये बिल्कुल तय है कि मुसलमान खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता तो वो ये नारे कैसे लगाएगा, भारत माता की जय के नारे के। लेकिन जब इमाम बुखारी के जय जयकार के नारे समाजवादी पार्टी ने बंद किए, इनके दामाद को एमपी या एमएलसी नहीं बनाया, तो अपने जय जयकार ना करने से ये नाराज हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन भारत माता के खिलाफ या भारत माता के पक्ष में जय जयकार के नारे भले मत लगाओ लेकिन उसके खिलाफ तो मत बोलो। लेकिन ये खिलाफ बोलते हैं, देशवासी को उसकाते हैं, जो इस भारत माता से प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को उसकाते हैं और बार बार कहते हैं कि इस्लाम के विरुद्ध है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ, अभी तो सुरेश जी बोल रहे हैं सामने। बिल्कुल बोलिए, क्या कहना है आपको। हाँ जी, वंदे मातरम सुरेश जी। मैं रघुवीर सिंह शास्त्री बोल रहा हूँ हरियाणा कुरुक्षेत्र से। हाँ, ये सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इसको स्वामी अग्निवेश जो भगवा कपड़े का ये जो भगवा चोला लेकर के घूम रहे हैं और ये ढोंगी किस्म के अपने आप को संत कहलवाते हैं ये, और इन्होंने ये बोलते हैं ये गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, संस्कृत पढ़ी हुई है इन्होंने, उसके बावजूद इनको ये नहीं पता कि वंदे मातरम का असली अर्थ क्या है। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम तो माता की वंदना, भारत माता की मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। जिस धरती पर तुम रह रहे हो उसका सम्मान नहीं कर सकते तो क्या अपने घर में भी किसी को घुसने दे दोगे क्या? बिल्कुल। मैं इसको इसको खास करके जो जाकर के दूसरे समुदाय के लोगों के बीच में जाकर के ये अपने झंडे बुलंद करना चाहता है, अपनी राजनीति चमकाना चाहता है भगवान कपड़ों में, इस बंदे ने संस्कृत पढ़ी है और उसके बावजूद ये सही अर्थ नहीं उसका बता सकते उनको। बिल्कुल, ऐसे लोगों को मतलब बीच में बिल्कुल ये कभी कभी ये राजनीति वालों के पिट्ठू बन जाते हैं, कभी ये दूसरे धर्म के बीच में जाकर के वो करते हैं, इनको ये इसको शर्म आनी चाहिए ऐसा भगवान वेश धारण करके। बिल्कुल, धन्यवाद। ये अग्निवेश को जरा दिखाइए स्क्रीन पे दोबारा, आपको याद दिलाते हैं कि यही आदमी है जिसने अन्ना के आंदोलन को सरकार का एजेंट बनकर एक तरीके से विभाजित किया, अन्ना को पागल हाथी कहा और उस आंदोलन को, जब इस आंदोलन देश में चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति हो रही है, इसी व्यक्ति ने पहली वहां पर बेईमानी की और अन्ना के आंदोलन में फूट इसने पाड़ी और उसके बाद कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको राजनीतिक तौर पर हाईजैक कर लिया। ये
भी उतना दोषी है जितना उस आंदोलन को राजनीतिक दृष्टिकोण से हाईजैक करने वाले दोषी है। लेकिन राजनीति जिसको जो करनी हो करे, आपको संविधान अधिकार देता है कि आप राजनीतिक दल बना सकते हैं और आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर कोई धर्म भी अगर ऐसे आपको अनुमति देता है तो हम उसको कभी नहीं सह सकते। अगले कहें